हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिना बेसन बिना आलू का बहुत ही ज्यादा चटपटा कुरकुरा और करारा नाश्ता। अगर आप आलू और बेसन के नाश्ते खा खा के बोर हो चुके हैं, कुछ हल्का खाना चाहते हैं, लाइट वेट खाना चाहते हैं और कम तेल का खाना चाहते हैं, तो इस रेसिपी को एक बार जरूर बनाना। फैमिली के सभी मेंबर इसे बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। काफी ज्यादा कुरकुरी क्रिस्पी होने के साथ साथ ये लाइट वेट भी है, तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो इस रेसिपी को आराम से खा सकते हैं। आपका पेट तो भरेगा लेकिन वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है मुरमुरा, जिसको लाई भी बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलना। एक कटोरी लिया है, आप कब से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। वेट में काफी ज्यादा लाइट वेट होते, मुश्किल से ये हमारा 3 ग्राम है। यहाँ पे हमने लिया है लाल टमाटर। लाल टमाटर से बहुत ही अच्छा कलर आएगा, टेस्ट आएगा। और यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि आपका जो टमाटर होना चाहिए वो जूसी होना चाहिए, कच्चा टमाटर नहीं इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमने 3 ग्रीन चिली ली है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा तीखा नहीं खाते तो आप ग्रीन चिली की मात्रा को कम कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं डियर। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ। एक हमने पैन लिया है और यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 2 बूंद ऑयल। आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसके अंदर हम अपना मुरमुरा यानी लाई ट्रांसफर कर देंगे और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। ऐसा करने से ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो 2 से 3 मिनट तक आपको इसे धीमी धीमी आंच पर भूनना है, ताकि अच्छे से ये कुक हो जाए यानी भुन जाए। समझ रहे हैं आप लोग? तो फ्रेंड, धीमी धीमी आंच पर हमने इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। ये देखिए कितने क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इसको एक बर्तन में निकाल के हम ठंडा करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, ट्रांसफर कर लिया है। जब तक ये ठंडा होगा हम दूसरा काम कर लेंगे। यहाँ पे इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड, अब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, 2 चम्मच मूंगफली डालेंगे और इसको हम धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे। यहाँ पे हमें मूंगफली को काला नहीं करना है, बस हमें इसका कच्चापन दूर करना है। हल्के हल्के से चिट्टे आ जाए बस इतना काफी है, बहुत ज्यादा काला करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, हमारी मूंगफली पे हल्का हल्का सा चिट्टा आने लगा है। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सफेद तिल। अगर आपके पास सफेद तिल ना हो तो आप इसकी जगह पे काला तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे सौंफ, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। और अब इसके अंदर जाएगा 1/2 चम्मच जीरा साबुत वाला। अब हमारी जो ग्रीन चिली थी उसको हम इस तरह से डाल देंगे। तो यहाँ पे हम 2 ग्रीन चिली डाल दे रहे हैं। 1 ग्रीन चिली को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमें सारी चीजों को धीमी धीमी आंच पर भूनना है और जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस इसका कच्चापन दूर करना है, ताकि जो सारी चीजें हैं वो अपना ऑयल छोड़ दे और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी इसे भूनते समय। तभी आप समझ जाएंगे कि ये भुनना है कि नहीं। तो फ्रेंड देखिए, ये अच्छे से भुन गया। अब इसको एक बर्तन में निकाल कर हम रख लेंगे। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से मैंने ट्रांसफर कर लिया। ये काफी ज्यादा जल रहा है तो इसको हमें ठंडा होने का वेट करना है। तो अब हम पैन में डालेंगे वापस से 1/2 टीस्पून ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें हम 1/4 चम्मच हींग डालेंगे और इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा 1/2 चम्मच डालेंगे अजवाइन। हींग और अजवाइन का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। आप लोग एक बार जरूर इस तड़के को लगा कर देखना। और यहाँ पे हम इसको धीमी धीमी आंच पर 10 से 15 सेकंड तक पकाएंगे, जलाएंगे बिल्कुल भी नहीं। और अब इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज, जो हमने इस तरह से मोटी मोटी कट कर ली है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप इसको हटा सकते हैं। यहाँ पे हमें प्याज को काला नहीं करना है। धीमी धीमी आंच पर हम इसको ट्रांसपेरेंट कलर होने तक भूनेंगे। हल्का सा लाइट सा पिंक कलर जब तक नहीं होगा तब तक हमें इसे भूनना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट होने चुकी है और हल्का सा लाइट कलर आ गया। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कटोरी गाजर, जो आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। मैंने इसको ग्रेट करके डाला है, आप चाहे तो इसको छोटे छोटे पीसेस में भी करके डाल सकते हैं। और गाजर जरूर डालना, ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, उनकी आंखों की रोशनी काफी ज्यादा इससे बढ़ेगी। तो इस तरह से हम गाजर को 10 से 15 सेकंड वापस से भूनेंगे। तो फ्रेंड 10 से 15 सेकंड मैंने गाजर को अच्छे से भून लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, जो कैल्शियम से भरपूर होती है। तो यहाँ पे शिमला मिर्च को हमें सिर्फ 5 सेकंड भूनना है, क्योंकि इसे पकने में बहुत ही कम टाइम लगता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, सारी सब्जियों में सबसे जल्दी सब्जी जो पकती है वो शिमला मिर्च होती है। इसको गलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, इसीलिए हम सिर्फ इसे 5 सेकंड पकाएंगे। अब ये जो हमारे टमाटर थे लाल और जूसी, इसको हमें बीज के साथ डालना है और बीज नहीं निकालना है। तो यहाँ पे हमने टमाटर को लास्ट में डाला है, क्योंकि हमें इसे बहुत ज्यादा गलाना नहीं है। तो यहाँ पे हम टमाटर को डालकर वापस से 20 सेकंड और पकाएंगे, ताकि हमारे टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज्यादा गले ना। तो फ्रेंड 20 सेकंड तक मैंने अच्छे से टमाटर को पका लिया है। अब इसमें हम 1 ग्रीन चिली जो थी हमारी, उसको हमने कट करके डाल दिया है। और हरा धनिया हम नहीं डालेंगे, उसको हम बाद में डालेंगे। अगर आप इसमें हरा धनिया डाल देंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और अच्छा टेस्ट नहीं आएगा।
तो चलिए अब इसे निकाल कर ठंडा कर लेते हैं, गर्म नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड जब तक ये ठंडा हो रहा है हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसे हम एक मिक्सी के जार में ट्रांसफर करेंगे। ये देखिए ट्रांसफर कर लिया। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आपको बताते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 3 कलियां लहसुन के। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो बिना लहसुन के भी बना सकते हैं। 1 इंच का अदरक जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। ये अदरक डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो यहाँ पे मैं 1/4 चम्मच नमक डाली हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना जितना नमक खाते हो। 1 छोटा चम्मच हम डालेंगे चाट मसाला जिससे बहुत ही ज्यादा चटपटा बनेगा। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया जिसको हम डंठल के साथ डालेंगे। और हरा धनिया अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डियर। अब इसके बाद हम इस पे डालेंगे 1/2 टीस्पून तक शुगर जिसको शक्कर ही बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो यहाँ पे शुगर इसको मीठा नहीं बनाएगी, सारे फ्लेवर को बैलेंस कर देगी। और अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच पानी और इसको हम कवर करके अच्छे से इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो चलिए पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने पीस लिया, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ज्यादा पानी नहीं डाला था, इस तरह से थिक आपको पीसना है। अब इसे हम फटाफट एक कटोरी में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो आप इसे ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही लाजवाब ही चटनी लगती है। तो यहाँ पे हम इसको तड़का लगा के और ज्यादा स्पेशल बनाएंगे। तो चलिए अच्छे से निकाल लेते हैं सारी। तो फ्रेंड तड़का लगाने के लिए मैंने 1 चम्मच तेल को गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, अब इसके अंदर हम डालेंगे कड़ी पत्ता जो हमने 15 से 20 लिए हैं। और इसको डाल के हम अच्छे से चटका लेंगे। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून तक राई के दाने जिसको आप सरसों के दाने भी बोल सकते हैं। और इसी के साथ हम थोड़ा सा हींग डाल देंगे। सारी चीजों को हम अच्छे से चटका लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा तड़का रेडी हो चुका है। अब इसको हम फटाफट इसके अंदर ऐड कर देंगे। और तड़का लगाने के बाद खुशबू और टेस्ट और जो चटनी की लाइफ है वो बढ़ जाएगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। इसका टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं। जब आप इस चटनी को बनाकर फैमिली वालों को सर्व करेंगे तो आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएंगे। मार्केट में मिलने वाली चटनी से बहुत ही ज्यादा ये हेल्दी है, टेस्टी है और होटल की चटनी को मात देते। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं और आगे का काम करते हैं। तो फ्रेंड देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया। अब इसको एक बड़े साइज के बर्तन में हम फटाफट ट्रांसफर करेंगे। ये देखिए मैंने ट्रांसफर कर लिया है। बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही इस्तेमाल करना, इससे बहुत ही अच्छा लुक और टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए मुरमुरा भी बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसे हम एक मिक्सी के जार में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफर कर दिया है मैंने। और अब इसके अंदर हम पानी नहीं डालेंगे, हम क्या डालेंगे आपको बताते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और नाश्ता आपका काफी ज्यादा फ्लफी और बाउंसी वाला बनेगा। तो फ्रेंड वो है हमारा छाछ। अगर आपके पास छाछ ना हो तो आप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप छाछ इस्तेमाल कीजिए वो थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए, नहीं तो आपको नींबू का रस भी डालना पड़ेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून डाला है। अगर कप से नापेंगे तो ये आधा छोटा कप हो जाएगा। और अब अपने नाश्ते को कुरकुरा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच सूजी जिसको रवा भी बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहाँ पे हमने बारीक वाली ली है, आप चाहे तो मोटे वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वेट ने हमारी मुश्किल से 10 ग्राम होगी। तो यहाँ पे सूजी डालने से काफी कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। आप चाहे तो बिना सूजी डाले भी इसे बना सकते हैं। तो अब हम इसको कवर कर देंगे और बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने इसको बना लिया है। इस तरीके से आपको बिल्कुल स्मूथ सा बनाना है और ज्यादा आपको इसके अंदर छाछ डालने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम फटाफट ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पे शुरुआत में अगर आप ज्यादा छाछ ऐड कर देंगे तो ये पतला हो जाएगा, फिर आपको नाश्ता बनाने में मुश्किल होगी। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच पानी डाल के इसको भी साफ करके डाल देंगे ताकि वेस्ट ना हो। तो फ्रेंड ये भी गया हमारा। तो अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें नमक डाल देते हैं क्योंकि हमने नमक नहीं डाला था। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून तक नमक डाला है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। ये मेरा होममेड है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर कर देंगे। अब मैं इसमें 1 चम्मच डालूंगी काश्मीरी लाल मिर्च जो बहुत ज्यादा तीखी नहीं होती है, ये कलर के लिए होती है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कुटी वाली लाल मिर्च भी डाल सकते हैं या लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून तक चाट मसाला, अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप लोग ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई या फिर आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे साबुत जीरा जिससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा। 1 बूंद हम ऑयल डालेंगे जिसको हम हल्का सा गर्म करके डालेंगे। सिर्फ 1 बूंद डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच हरा धनिया जिसको हमने इस तरह से कट कर लिया है मोटा मोटा। अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे हल्के हल्के हाथों से ताकि हमारी जो
वेजिटेबल है वो बहुत ज्यादा टूटे ना, बिल्कुल हल्के हाथों से। यहाँ पे मैंने लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, आप भी हल्का चम्मच लेना, अगर आपके पास हल्का चम्मच ना हो तो चम्मच के पीछे हिस्से से आप इसको मिक्स कर लेना। तो यहाँ पे ये देखिए रेडी हो चुका है। अब इसे हम 2 मिनट का टाइम देंगे ताकि सारे फ्लेवर आपस में मिल जाए, 2 मिनट बाद हम इसे बनाएंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है और सारी चीजें आपस में मिल गई हैं, अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, मैंने एक कप पैन लिया है, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, ये देखिए 1 से 2 बूंद बस काफी है। और इसको हम हल्का हल्का सा गर्म कर लेंगे फटाफट डाल के। तो फ्रेंड तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो यहाँ पे देखिए मैंने कटोरी में क्या लिया है, थोड़ा सा 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच हमने सरसों के दाने लिए हैं, जिसको हम मिला लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम इसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा अपने नाश्ते को। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो इसके बिना ही बना सकते, तो ज्यादा नहीं डालना, सिर्फ थोड़ा थोड़ा डालना है। अब इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम फिल करेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें बहुत ज्यादा भर के नहीं डालेंगे, 1-1 चम्मच डालेंगे और इसको अच्छे से फैला लेंगे। तो इसको डालने से जो हमने नीचे डाला है बहुत ही प्यारा लुक आएगा अपने नाश्ते में। तो गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है, मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे, तभी ये काफी कुरकुरे और क्रिस्पी और देखने में बहुत सुंदर लुक आएगा। आप चाहे तो इसमें व्हाइट तिल भी नीचे डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो चलिए फटाफट फिल कर लेते हैं सारे। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने सारे फिल कर दिए, अब इसे 2 मिनट तक पकने देंगे। अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो आप इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन कवर करने के बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आपको कुरकुरा और क्रिस्पी चाहिए तो खुला पकाना है, 2 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे और टर्न करेंगे। फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, पहले आपने देखा होगा तो व्हाइट होगा, अब बिल्कुल अच्छे से ये ड्राई हो चुका है। ये देखिए मैं इसे छू सकती हूँ, उंगलियों में बिल्कुल भी कुछ लग नहीं रहा है। तो ये काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए आप उसको केयरफुली आराम से पलटिए। तो यहाँ पे मैंने नाइफ का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो छोटे चम्मच या कोई नुकीली चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, जरा सा जीरा और हमने जो राई लगाई है इसके ऊपर। तो यहाँ पे आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इसे बहुत ज्यादा तेजी से मत निकालना, क्योंकि काफी ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज्यादा स्पंची बनते हैं। तो चलिए सारे टर्न कर लेते हैं और इसे दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए 2 मिनट हो चुका है, दूसरे साइड से भी अच्छे से कुक हो गया है। अब हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए कितना बेहतरीन और कितना खूबसूरत हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है, इसका फाइनल रिजल्ट आप लोग के सामने। तो चलिए फटाफट इसको सर्व करते हैं, चटनी भी हमारी रेडी हो चुकी है जो इस नाश्ते की जान है, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए फटाफट सर्व करते हैं डियर। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा नाश्ता, इसका फाइनल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। देख लीजिए कितना प्यारा है, बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी है, जितना ज्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज्यादा हेल्दी है। आप लोगों को करीब से दिखा देते हैं, ये देखिए कितना बेहतरीन हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है, जो ऊपर से करारा है अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसा है ये। तो ये देखिए ऊपर से काफी क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, फ्लफी है, देखिए कितना जालीदार बना है, क्योंकि हमने इसमें छाछ डाली थी। अगर आपके पास छाछ ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस वाली चटनी के साथ दोनों का कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा टेस्टी लगता है। आप लोग एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और आपको ये चटनी की रेसिपी कैसी लगी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना, कौन कौन ये चटनी बनाने वाला है जल्दी से वो भी लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही आसान रेसिपी के साथ, आप इसे केचप के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, अगर चटनी के साथ नहीं खाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ खा लेना, और इस रेसिपी को आप 10 से 15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है डियर। बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।